हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जिस शेयर से रिलेटेड बातें करने वाले हैं, उस कंपनी ने आपको एक तो बोनस प्रोवाइड किया है, ओके, और 1:1 और बोनस भी क्या है, 1:1 का बोनस है। मतलब आपके 100 शेयर है तो आपके 200 शेयर हो जाएंगे, ओके। डेट अभी आई नहीं है, जैसी डेट आएगी तब भी बता दूंगा, बट स्टिल वहाँ पर बोनस अनाउंस हो गया है और शेयर ने 10% की जंप लगा दी है और काफ़ी अच्छा शेयर मुझे नज़र आ रहा है, तो उसके बारे में आज जानेंगे। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं, बट बिफोर दैट आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार जो आपका खुद का चैनल है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, एज वेल एज कल दो नीचे वीडियो बनाई थी उसे जरूर देख लीजिएगा, हिंदुस्तान फूड्स से रिलेटेड, जो कि कल भी अपर सर्किट आज भी अपर सर्किट मारा है। क्यों मारा है यहाँ पर मैंने रीज़न दिया है, ओके, और मैं अगली वीडियो में भी थोड़ा बहुत इसके बारे में जिक्र करूँगा, तो देख लीजिएगा। और ये IRCTC से रिलेटेड है, तो इस चीज़ इस वीडियो को भी जाके आप देख लीजिएगा। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन में दो लिंक है, एक डोनेशन के लिए राम जन्मभूमि के, मेरे को डोनेशन नहीं है, ये राम जन्मभूमि में जो मंदिर बन रहा है राम जी का उनके उसके लिए, एज वेल एज यहाँ पर एक एंजल ब्रोकिंग में आपका अगर डीमेट अकाउंट नहीं है, फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन होगा, 30 दिन का कोई ब्रोकरेज भी नहीं लगेगा, आप ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पर आ जाके आपको ओपन करा सकते हैं अपना अकाउंट अगर नहीं है। तो जिस शेयर से रिलेटेड बातें करने वाले हैं यहाँ पर देख सकते हैं, लगभग 91 रुपीज़ पे चल रहा है और यहाँ पर देख सकते हैं 10% की जब देखिए सिंपल, आज सुबह सुबह सिंपल चल रहा था शेयर, बट जैसे ही न्यूज़ आई तो शेयर ने जंप करना शुरू कर दिया, भाग गया। और न्यूज़ क्या आई, बोनस की 1:1 का बोनस कंपनी अनाउंस करने वाली है, ओके, और कौन सी कंपनी है उसके बारे में देखेंगे। तो अगर हम देखें 1 ईयर का चार्ट पैटर्न तो देख सकते हैं 3700-2700 रुपये का ये शेयर, ओके, अगर हम बात करें तो लगभग 200% के रिटर्न, 200-250% के रिटर्न आपको कब, विद इन 7 to 8 months, 9 months, 10 months में दे चुका है, 1 साल कह सकते हैं पूरा। मैक्सिमम की बात की जाए तो देखिए कोई ये कंपनी को आए हुए काफ़ी टाइम नहीं हुआ है, ओके, अभी आई है 2016 में, ओके, तो ज़्यादा डिटेल्स अगर हम बात करें कि ये कंपनी है क्या, तो देखिए ये कंपनी है IT से रिलेटेड, डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड। तो कहीं ना कहीं देखिए ये शेयर पहले ऊपर तक गया, कितना 234 तक गया, उसके बाद नीचे आया, ओके, और अभी देखिए कंसोलिडेट कर रहा है, ओके, इसी रेंज में चल रहा है, और यहाँ पर भी अगर देखें तो इसी रेंज में यहाँ पर चल रहा था। तो मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी बड़ी कंपनी आज के, चाहे आईटी की हो या कोई भी कंपनी हो जो आजकल आज बड़ी ऊपर पोजीशन में बैठी हुई है, तो वो स्टार्टिंग में हमेशा देखिएगा तो वो कंसोलिडेट करती है, ओके, उनके जो स्टार्टिंग के जो साल्स होते हैं ना, आपने बजाज फाइनेंस भी देखा होगा, तो स्टार्टिंग में जब आई थी तो कम से कम 6-7 साल उसने इसी लेवल पर उसने कंसोलिडेट ही किया था, बट जब भागना होता है ना तो उसे एक साथ भागना होता है, तो मुझे जैसा लगता है इसको देख के तो कंपनी काफ़ी बेहतरीन नज़र आती है, ओके, बट आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, का छोटी कंपनी है जिसके फाइनेंशियल फंडामेंटल एनालिसिस हम करने वाले हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर आज की, तो यहाँ पर देख लीजिए, पहले तो बात तो कंपनी के पास जितने 32% के शेयर है उसमें से 8% के, 7.5% के शेयर गिरवी रख रखे हैं, तो कहने का मतलब क्या है कि 25% तक होता है तो हम कहते हैं कि थोड़ा हानिकारक हो सकता है, बट अभी 7% है, ओके, कंपनी ग्रोइंग मोड में है, कंपनी लोन लिया होगा तो इस वजह से यहाँ पर आपको 7% शेयर गिरवी रखते हुए नजर आया, बट इसे अभी नेग्लिजिबल कर भी सकते हैं और ध्यान भी रखना है, हमें दोनों चीज़ें करनी है। और जैसे कि बोनस की बात की गई तो देखिए कंपनी ने बोनस ऑलरेडी 1:1 का यहाँ पर अनाउंस कर दिया है आज की डेट में ही। अगर बात की जाए आज लगभग 37-38% के यहाँ पर शेयर उठाए गए हैं, ओके, अगर हम यहाँ पर देखें रिटर्न्स के मामले में तो कंपनी के रिटर्न्स देख लीजिए, 2 साल में 182% के रिटर्न हैं, और अगर हम बात करें 1 साल में तो जैसे कि मैंने दिखाया ही था आपको 250% के रिटर्न दिए कंपनी को, 4 साल हुए तो 4 साल में 3 साल में थोड़ा नेगेटिव है क्योंकि कंपनी नीचे से ऊपर गई और फिर उसके बाद डायरेक्ट बहुत नीचे आती हुई हमें नजर आई थी। तो अगर हम बात करें किस कंपनी से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो कंपनी का नाम है इन्फीबीम एवेन्यू, इसने 1:1 का बोनस अनाउंस किया है, तो कंपनी का देखिए लोगो ही देख के आपको समझ में आ रहा होगा कुछ ना कुछ डिजिटल से रिलेटेड है, तो क्या डिजिटल, हाँ तो डिजिटल है, ये डिजिटल है, ये फिनटेक कंपनी है, ओके, मतलब फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, एनेबलिंग डिजिटल ट्रांजेक्शन, तो देखिए डिजिटल पेमेंट जो आप करते हैं, जो बैंकिंग नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं, ओके, एज वेल एज आप डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन करते हैं फॉर पेइंग समवन, टू पेइंग लाइक इन अ शॉप, जो भी आप डिजिटल ट्रांजेक्शन करते हैं एक दूसरे के साथ,
तो उसमें ये कंपनी बहुत लीडिंग पोजीशन में है और इसके टाई अप है ना बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज के साथ है, और फॉरेन में भी यहाँ पर अब ये कंपनी के टाई अप है। अब देखिए सब कुछ मैं अभी इस वीडियो में नहीं बना पाऊंगा वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इस पेज को आप जरूर जाके देखिएगा। बट स्टिल बताना चाहता हूँ, देखिए एक तो डिजिटल पेमेंट में है, अगर बात की जाए तो देखिए सऊदी अरब ओके एज वेल एज दुबई और यूनाइटेड स्टेट और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में ये बिजनेस है और डिजिटल पेमेंट का ये बिजनेस है। आईटी कंपनी है, सॉफ्टवेयर डेवलपिंग का बिजनेस है ओके यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर बात की जाए देखिए जियो, तो जियो में भी ये रिलायंस जियो के साथ जो कि इंडिया का नंबर वन टेली कम्युनिकेशन है उसके साथ उनका एग्रीमेंट है, और एग्रीमेंट क्या होगा वही जियो का पेमेंट होगा, तो शायद उसके साथ इनका एग्रीमेंट होगा। ओमान बैंक ओके मतलब फॉरेन का जो बैंक है उसके साथ, एज वेल एज बात की जाए जेपी मॉर्गन जो दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है उसके साथ, अगर बात की जाए बैंक ऑफ मस्कट ओके उसके साथ यहाँ पर डिजिटल पेमेंट का यहाँ सर्विसेज प्रोवाइड करने का इनका टाई अप है। तो अच्छा खासा इनका डाइवर्सिफिकेशन है ओके यहाँ पर देखिए डाइवर्सिफाइड ऑफरिंग फॉर अ डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस। तो इस कंपनी को हमेशा ध्यान में रखना, 5 कंट्रीज इसमें सॉरी कंट्रीज टू सर्व, देखिए इंडिया यूएई केएसए ओके ओमान द यूएसए, तो अलग अलग कंट्री में भी ये काम करती है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो बहुत अच्छी कंपनी मुझे नज़र फाइनली आ रही है, और जिस तरीके से इंडिया में डिजिटल पेमेंट को लेकर डिजिटली होने का जिस तरीके का सपना है, तो ये कंपनी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, तो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी जैसे इंग्लिश में कहते हैं। तो कंपनी का अगर हम बात करें यहाँ पर और भी चीज़ें, तो कंपनी ने देखिए 1:1 का बोनस तो अनाउंस किया ही किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं डिविडेंड भी कंपनी देती आई है यहाँ पर अभी, और एक बार स्प्लिट 2017 में हो चुका है ओके। इसके बाद हाँ तो देखिए स्प्लिट हुआ था 2017 में, इस वजह से यहाँ पर देखिए यहाँ पर स्प्लिट होने के बाद ये शेयर नीचे आता हुआ हमें नज़र आया था, अदरवाइज ये कंपनी अच्छा खासा बिजनेस ऑलरेडी कर ही रही थी। और अगर हम कुछ न्यूज़ देखें तो देखिए ये 1:1 का बोनस अनाउंस किया है ओके, एक कंपनी में ये 51% के स्टेक खरीदने वाले थे इन्फो बीम लॉजिस्टिक में, तो वहाँ पर वो उतना नहीं खरीद रहे हैं, एज वेल एज बात की जाए तो एक पेमेंट है ओके तो उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, अप्रूव टू इन्वेस्ट इन सो हम भारत डिजिटल पेमेंट, तो ये कोई डिजिटल पेमेंट आया है शायद होगा मुझे पता नहीं है, तो उसमें ये 50% 50.5% की वो क्या इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उस मतलब उस कंपनी को पूरा एक्वायर करने वाले हैं इतने परसेंट के शेयर लेके। पहले ये 33% सोच रहे थे बट अभी 50.5% अप्रूव टू इन्वेस्ट इन सो, तो इसमें इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर रिजल्ट्स आज की डेट में आई है इनके, तो रिजल्ट्स में देखिए ये सभी बातें की गई है। अगर बात की जाए देखिए यहाँ पर रिक्लासिफिकेशन और इंक्रीज और ऑथराइज शेयर कैपिटल ओके, फाइनेंशियल रिजल्ट भी इसके आ गया है, बोनस अनाउंस किया है ओके, ये क्या करने वाले हैं क्या नहीं करने वाले उसी से रिलेटेड यहाँ पर दिया गया है। और अगर रिजल्ट्स की बात की जाए तो रिजल्ट्स भी इनके काफ़ी बेहतरीन आते हुए नज़र आए हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा ऊपर से आइडिया दे दूँ या रिजल्ट्स का, तो एक मिनट दीजिएगा मुझे, यहाँ पर देख लीजिए तो ये रिजल्ट्स हैं इनके, रिजल्ट्स रुपीज़ इन मिलियन में है ओके। अगर हम बात की जाए यहाँ पर स्टैंड अलोन यहाँ पर है, ऑपरेशन से जो इनकी इनकम हुई है जहाँ 2019 में 1419 था वो बढ़ के क्या कहते हैं पूरे का पूरा 1970.6 रुपीज़ इन मिलियन हो गया, मतलब कितना लगभग 500 500 500 का जंप हुआ है, 500 रुपीज़ इन मिलियन ओके। और यहाँ पर अगर बात की जाए लास्ट क्वार्टर से तो उसमें भी हमें जंप दिखाई गई है। अगर टोटल इनकम की बात की जाए तो सेम ही है, लगभग 1989 है, जो क्वार्टरली एज वेल एज ईयरली वाइज यहाँ पर जंप होती हुई नजर आई है। एक्सपेंस यहाँ पर सबसे ज़्यादा कंपनी ने इस पर काफ़ी एक्सपेंस किया है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस हुआ है जो कि हर एक क्वार्टर से काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ पर टोटल एक्सपेंस ज़्यादा हमें नज़र आ रहा है। अगर हम बात की जाए प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स सीधे नेट प्रॉफिट पे ही आते हैं, तो नेट प्रॉफिट अगर हम यहाँ पर देखें टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम यहाँ पर देख लिए प्रॉफिट फॉर द पीरियड ओके, यहाँ का यहाँ पर ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ओके, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स NPAT की बात की जाए तो देखिए ईयरली एज वेल एज क्वार्टरली क्वार्टरली बेस पे तो लगभग 3 गुना कह सकते हैं ओके, 2.5 गुना कह सकते हैं सिंपली, और ईयरली बेस पे भी देखिए जंप नज़र आती आती है हमें, और EPS भी यहाँ पर देखिए बढ़ता हुआ ही नज़र आ रहा है, तो अर्निंग पर शेयर भी बढ़ रहा है, हर चीज़ बढ़ रही है, तो देखिए कंपनी ने काफ़ी अच्छा बिजनेस भी किया है, तो इस चीज़ को हमें सोच के चलना पड़ेगा। और काफ़ी अच्छी ये कंपनी नज़र आती है, स्मॉल कैप कंपनी है 5,547, तो डिस्क्लेमर यहीं पर ही देना चाहूँगा कि बढ़ती भी तेज है तो घटती भी तेज है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं
अगर हम यहाँ पर देखें, इज़ प्राइमरी इंगेज इन द बिजनेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपिंग, ओके, सॉफ्टवेयर डेवलपिंग में, मेंटेनेंस में, वेब डेवलपिंग में, पेमेंट गेटवे जो ई कॉमर्स का बिजनेस में है, डिजिटल पेमेंट में है, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। आरओसी इसका 4% है, पी रेशो 82% है, जो कि काफ़ी हाई हमें नज़र आ रहा है। अगर हम यहाँ पर सीधे देखते हैं यहाँ पर रिजल्ट्स, ओके, तो अभी के रिजल्ट्स यहाँ अपडेट नहीं हुए हैं, बट मैंने आपको बता दिया कि रिजल्ट्स एनुअली एज वेल एज क्वार्टरली काफ़ी अच्छे हमें नज़र आए हैं। ओके, अगर यहाँ पर देखें नेट प्रॉफिट तो हर साल से बीच में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे रहा था, बट यहाँ पर अभी घाटा हो, मतलब उस लेवल पर नहीं आते हुए दिखाई दिया जिस तरीके से पहले दिखाई दे रहा था। अगर फिर भी हम यहाँ पर देखें सेल्स की, यहाँ पर ईयरली बेसिस पे अगर हम यहाँ कैलकुलेट करें तो कंपनी कहाँ पर नेगेटिव में चल रही थी 2011 में, और अभी देखिए प्रॉफिट में चल रही है, 70 करोड़ का अभी लास्ट क्वार्टर में प्रॉफिट था, और अभी तो और बढ़ गया है प्रॉफिट, तो यहाँ पर देखिए और जंप होती हुई नज़र आएगा जब ये अपडेट हो जाएगा। बोरिंग की बात, यहाँ पर रिजर्व्स की बात की जाए तो जहाँ 2011 में 18 करोड़ रुपये घाटे, मतलब नेगेटिव में रिजर्व्स था, जो कि अभी पॉजिटिव हो गया 2800 करोड़ रुपये, ओके, 2800 करोड़ रुपए का इनके पास रिजर्व्स हैं। और देखिए बोरिंग भी घटती हुई नज़र आई है, केवल 26 करोड़ की बोरिंग है, ये अपडेट हो जाएगा तो और पता चल जाएगी। इन्वेस्टमेंट भी कंपनी ने 401 करोड़ रुपए का कर रखा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगर हम यहाँ पर बात करें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की, तो यहाँ पर देखिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है, 70 सॉरी, यहाँ पर अगर बात करें 142 करोड़ रुपए का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी है। तो कंपनी का टोटल एसेट भी कहाँ 38 करोड़ रुपए का था, कहाँ भी 3394 करोड़ रुपए का है। तो हर चीज़ में कंपनी अच्छी खासी नज़र आ रही है। अगर हम बात करें प्रमोटर्स की होल्डिंग, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रमोटर्स की होल्डिंग थोड़ी सी यहाँ पर कम होती हुई नज़र आई है साल दर साल, बट स्टिल अभी कुछ मतलब 1-2 साल से सेम ही है, फिर 32% की हिस्सेदारी कह सकते हैं। बट फॉरेन इन्वेस्टर ने दिसंबर में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा ली है, कितनी, 7 से सीधे कर दी है 8.5, 8.9 के आसपास, ओके, 8.47% की हिस्सेदारी फॉरेन इन्वेस्टर ने बढ़ा लिया। फॉरेन इन्वेस्टर काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, तो इसमें कंपनी की तरफ ध्यान देना। एज वेल एज पब्लिक की बात करें तो पब्लिक का 58% की हिस्सेदारी है, और पब्लिक के पास भी नहीं है ये हिस्सेदारी। अगर बात की जाए तो देखिए इन्हीं के पास है कितनी, 11%, इनके पास 4%, अगर टोटल हम जोड़ेंगे ना तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे 1 2 3 4 12 13 14 15 तो 17 18 20 22 26 और 27 37, मतलब 38 39% की, अगर 40% की हिस्सेदारी कह सकते हैं, 40 41% की हिस्सेदारी लोगों के पास है, केवल 10 12% की हिस्सेदारी इस कंपनी में पब्लिक ने ले रखी है। तो, ओके, तो इस कंपनी की तरफ नज़रें बना के रखना, काफ़ी अच्छी कंपनी मुझे नज़र आती है। ओके, और इसका नाम है इन्फीबीम एवेन्यू लिमिटेड, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। तो कुछ भी पोजीशन बनाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से और खुद की स्टडी जरूर कर लीजिएगा। ये वीडियो केवल नॉलेज पर्पज़ से थी, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, एज वेल एज हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बजाज, जो आपका खुद का चैनल है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और थोड़ी हेल्प करें इस चैनल को ग्रो करने में, जैसे कि आप हमेशा से करते आए हैं, और भी शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि और उन्हें भी ऐसी वीडियो के बारे में, शेयर बाजार से रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।